जोहार रोमिंद्र कथा डोस्टीवी के साथी न्यूज बुलेटिन मयारेने का। लॉकडाउन के इस समय में पुलिस प्रशासन अपन काम बखूबी से करते। एहे बीच में मालबजार से नागरकटा जाय कोला पुलिस प्रशासन कर गाड़ी कर आगे एगो कुकुर आइजाक से पुलिस प्रशासन कर गाड़ी कर बीच में आपसी छोटा सा टक्कर लग। दुर्घटना कर चपेट में माल महकुमा पुलिस अधिकारी कर गाड़ी। दुर्घटना तानी कुनी है माल महकुमा कर पुलिस अधिकारी देवाशीष चक्रवर्ती के। सोमवार दिन 12 बजे घटना दुर्घट लग चालसा गोलाई नागरकटा 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग ऊपर जाना चले है। दिन एसडीपीओ देवाशीष चक्रवर्ती पुलिस वाहिनी के संगे ली के नागरकटा जात रहे। एसडीपीओ कर गाड़ी कर सामने गाड़ी रहे, पीछे भी पुलिस बहन रहे। चालसा गोलाई एसडीपीओ कर गाड़ी कर सामने अचानक एक ठो कुकुर चैला लग, जेकर चलते कुकुर के बचा चलते गाड़ी चालक गाड़ी के स्लो कर लाई। और गाड़ी के स्लो करे चलते एसडीपीओ कर गाड़ी पुलिस बहन को धक्का मारे। पुलिस बहन कर सामने कर कांच और एसडीपीओ कर गाड़ी कर पीछे बढ़ कर कांच टूट जाए। तानी को नाहत भी हुई है एसडीपीओ। खबर पाए कि मेटली थाना कर पुलिस मन गलाई ओसी प्रवीर दत्त सहित दूसरा पुलिस कर्मी मन वहाँ पहुँच लाए। एसडीपीओ कहलाए अचानक ई दुर्घटना नागरकटा जात रही पुलिस वाहिनी के संगे लिखी अचानक ई कुकुर से लग जेकर चलते तानी को दुर्घटना में आहत हुई जाए। যে নাগরাঘাটা মেটলি অঞ্চলে একটু আমি আমার ফোর্স নিয়ে আমার র‍্যাপ নিয়ে আমি যাচ্ছিলাম। ওই যে ওয়াইন শপ গুলো ওপেনিং হচ্ছে, লয়নাটা হবে কিনা, আরো অনেক ব্যাপার নিয়েছে এই লকডাউন ফকডাউন নিয়ে জায়গাগুলো ভিজিট করতে যাচ্ছিলাম। চালসা মোড়ের কাছে এই জায়গাটায় একটা কুকুর আমাদের আমার গাড়ির সামনে পড়ে, তা আমি ওটাকে সেভ করার জন্য আমার ড্রাইভার ব্রেকটা কষে। তখন আমাদের আমার পেছনে র‍্যাফের গাড়িটা ছিল, বাসটা ছিল, সেই বাসটা যে কোনো কারণেই হোক আমার মনে হচ্ছে মেকানিক্যাল ফল্টের জন্য কন্ট্রোল করতে পারেনি, ও বলছে ব্রেক ধরেনি। राशन में दुर्नीति करे कर कारण से बीजेपी कर जलपाईगुड़ी जिला सभापति के गिरफ्तार कर गेल। डुअर से बाहरे काम करे जाल अब्दिन मनकर वीडियो हर एक दिन वायरल होते। मुंबई से लेके तमिलनाडु तक, बेंगलोर, हैदराबाद, इंदौर, हर एक जगह से अब्दिन मने वीडियो बनाए बनाए के ग्रुप में वीडियो बनाता है और बनाए बनाए के भेजता है सरकार से। उमन अपील करता है कि जिसनों भी है कि हम के घर पहुँचाई कर व्यवस्था करा, काले कि उमने जहाँ भी यहाँ हुआ लॉकडाउन के कारण से खाना पीना कर तकलीफ होते। उमन के रह कर रूम रेंट में रहता है, रेंट देवे के लिए पैसा न के सह ले। उमन हर एक दिन गुहार लगाता है सरकार से कि कोनो व्यवस्था करल जाओ ताकि उमन कर जान बचो। हर एक जगह से मुंबई से भी अलग, महाराष्ट्र से, इंदौर, दिल्ली और तमिलनाडु से भी, हैदराबाद से भी, हर एक जगह से वीडियो मना है। चला देखो छोटा सा वीडियो जे कि उमन अपील करत है सरकार से कि कोनो भी हालत से उमन के वहाँ से निकाल जाओ। के हम लोग वेस्ट बंगाल जलपाईगुड़ी नागरकटा ब्लॉक के हैं और मेरे साथ बहुत सारे भाई बहन हैं जो कि कमाने के लिए आए हैं तमिलनाडु, और तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में, तिरुपुर शहर में हम लोग रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, अचानक फंसे हुए हैं अपने घर से बिछड़ के। किसी की बूढ़ी माँ, किसी के छोटे छोटे बाल बच्चे, सब लोग बहुत परेशान हैं अपने घर जाने के लिए, अपने अपने घर जाने के लिए। तो सभी स्टेट के सरकार ने केंद्र सरकार से बातचीत की है और मोदी जी ने, केंद्र सरकार, हम लोग के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबको अपना अपना घर वापसी के लिए, मजदूरों के लिए उन्होंने आदेश दे चुके हैं। तो हम लोग भी अपने जिला परिषद, अपने क्षेत्र के सांसद, एमपी, एमएलए और पुलिस प्रशासन सबसे अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग को, मेरे भाई बहन जितना भी यहाँ पर फंसे हैं सबको अपना घर ले जाने के लिए मदद करें। ये बात हम लोग के क्षेत्र के एमपी, एमएलए, पुलिस प्रशासन, जिला परिषद से अनुरोध है कि ये बात बंगाल सरकार तक पहुँचा दीजिए और हम लोग को भी सरकार से लेने के लिए हम लोग को व्यवस्था करें अपने राज्य जाने के लिए, अपना गृह राज्य जाने के लिए मदद करें। धन्यवाद। मो सभी थापा र हाम्रो यो भिडियो बनाउनेको विशेष कारण चाहिँ यो हाम्रो डुवर्स बासिन्दा जति पनि मुम्बईमा बारस्टमा फसिरहेको बासिन्दाहरूलाई जति सक्दो डुवर्समा वापस
लिएर जानुको लागि जति सक्दो गाडीको सुविधा गरिदियोस् भनेर हामीले त्यो अनुरोध गरिरहेका छौँ। र यताबाट हामीले महाराष्ट्रबाट जति पनि हामीले फर्म फिलअप गर्नुपर्ने छ, जति पनि हाम्रो यहाँ महाराष्ट्रको हामीले पुलिस चौकीबाट जो ल्याइरहेका छौँ फर्महरू भरिसकेका छौँ होइन, फिलअप गरिसकेका छौँ। यति मात्रै होइन र 50+ मान्छेहरू यहाँ फँसिरहनु भइरहेको छ र उहाँहरूको सबैजनाको लागि मतलब सुरक्षित अनुसारले हामीलाई घर फर्कियोस् फर्कियोस् भनेर हामीले जतिसक्दो जनबराज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामीलाई गाडीको परिबन्ध गरिदिनुहोस् होला। आज बिहान कुमारग्राम खंडकर विभिन्न क्षेत्र में एगो जंगली हाथी घुस जाए से पूरा गांव कर इलाका में आतंक माहौल छाए जाए। आज बिहान कुमारग्राम खंडकर तुरतुरी बेलतला धोला झोड़ा और विश्वास पड़ा क्षेत्र में एक जंगली हाथी कर घुसे से सारा आसपास में आतंक मच गया। उस हाथी स्थानीय गांव कर बारी झोड़ा में घुस के साग सब्जी लगाई रहे मकई बाड़ी में तहस नहस भी कर दे है, जेकर से हाथी के भगात लगिन और हाथी के देख लगिन आदि में भीड़ भी जम गया। और ये भीड़ से लॉकडाउन में जे सामाजिक दूरी के नियम करात रहे वो भी टूटलक। तहस नहस के सुन के उत्तर राइडक रेंज कर वन कर्मी मने घटना स्थल में पुग के हाथी के जंगल बटे खेदे कर काम कर लाए। अच्छा बूटा गत में रहे तो हाँ। तो यहाँ आते रहे? हाँ यहाँ आते रहे। कै बजे ला? ए गोटा रे नहीं रहे हो इसे, इसने 4 बजे आए के यहाँ रहे, यहीं रह के हम बयान कर देख लाए। सेंट्रल डुअर्स कर विभिन्न चा बगान में मास्क नहीं लगाए को वाला अब दिन मन के खदा पिंधाई के जागरूक करल जाते विभिन्न समाज सेवी मन के द्वारा। कोरोना महामारी से बातचे कर लेकिन लॉकडाउन कर पालन साथ ही सामाजिक दूरी कर नियम एवं मास्क लगाए का अत्यंत आवश्यक बोध करते दीर्घ दिन से ही अपने गाँव कर आदमी मन के सचेत करवाते रहल। सेंट्रल डुअर्स चा बगान कर समाज सेवी मदन कुमार लामा भागीरथ प्रयास करत है। आज सेंट्रल डुअर्स चा बगान कर हाथीमारा डिवीजन स्थित न्यू हराइजन स्कूल कर विद्यार्थी मन और स्वयं सेवक मन के लेके गांव में मास्क नी लगाई काला मन के और गांव वाला मन के भी मास्क लगाई जरूरी है इके बताते हुए हाथीमारा में समाज सेवी मदन कुमार लामा आदमी मन के सचेतना करवाई कर क्रम में विद्यार्थी मन मास्क नी लगाई काला मन के उमन के खादा पिंधाई के मास्क लगाई के अनुरोध कर लें। इस कार्य में न्यू हराइजन स्कूल कर प्रिंसिपल आनंद गुरुंग संगे स्वयं सेवक मन समाज सेवी मदन कुमार लामा साथ दिलाए। कोहो भी कोनो भी घड़ी क्यों भी हर सकल घटना का शिकार सहले खबरदार। Doors TV, tuning of time. विकास कर मुद्दा अनेक, फिर भी समाज आहे चुप। आएगे लगा, बतिया एक पाला, सवाल पूछे एक पाला। Doors TV में होए चर्चा, रोने का ही मुद्दा। जल्द आओ थे Doors TV में विशेष चर्चा। Doors TV, tuning of time. लगभग 2 महीना बंद रहकर बाद आज फिर से बनाहट अधीनस्थ देवपड़ा चा बगान खुलक और आदि मने सुचारू रूप से काम चालू कर ले। पूरा 2 महीना कर बंद पश्चात आज से सुचारू रूप से खुलक बनाहट थाना अधीनस्थ रहल देवपड़ा चा बगान। ज्ञात रहोस 3 मार्च कर दिन श्रमिक मन अपन वेतन सहित 14 मांग करते प्रबंधक के ज्ञापन बुझा लें। 4 मार्च कर आधा रात में ही प्रबंधक के ऑफिस कर आगे नोटिस लगाए के बगान छोड़ दिला। इसने है मालिक पक्ष से होली कर 2 दिन कर आगे बगान बंद कर देवल गेलक। आदमी मन 5 मार्च कर दिन फैक्ट्री गेट में ही धरना दे के बैठ रहे। अंत में 2 महीना होए कर पश्चात बीते कल श्रमिक मन कर बकाया राशि तलब और स्टाफ और सब स्टाफ मन कर 1 महीना कर बाकी रहल तलब देवे कर पीछे आज से चा बगान खोल लें। एखन कोरोना वायरस कर महामारी कर चलते कोनो बैठक हो एक नहीं सकते।
ई महामारी होय कर पश्चात श्रमिक मनकर संगे बैठक पश्चात श्रमिक मनकर 14 दफे मांग कर बारे चर्चा होवेक भी श्रमिक नेता सुरेश नाइकल बतालाय। बीते काल चा बगान में तलब झोंके आवल श्रमिक मन के मालिक पक्ष से मास्क साबुन और सैनिटाइजर वितरण भी कर लें। चा बगान खोले कर पश्चात आज से चा बगान में 25% श्रमिक मन के लेके काम करवाई भी चा बगान कर सह प्रबंधक पार्थ विश्वास जना लें। बगान बंद था, अभी ठीक है, खोल गया, सबको लिए भलाई हुआ, बंद कोई चीज अच्छा नहीं है। फिलहाल हम लोग को तो उबार कर 115 था लगी में, मतलब 25% इस दिन हमारे डिप्लॉयमेंट ऐसे 25% सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे ही काज होच्छे। कंपनी थे कल के मास्क दवा हुए सबान देवा सैनिटाइजर देवा कल के पेमेंट हुए पेमेंटर समय सैनिटाइजर देवा आज के जो काज शुरू हलो। जलपाईगुड़ी जिला का रेड जोन घोषित करने के बाद में जलपाईगुड़ी जिला प्रशासन बहुत ही सक्रिय रूप से फिर से काम के शुरू कर लग ताकि अब दिन मने घर से बाहर ना निकलो और लॉकडाउन का अच्छा से पालन करो कहके। ऑरेंज पार हुई के रेड जोन और ज्यादा ही काम बैठ गया जलपाईगुड़ी जिला पुलिस का। चयन में से रेड जोन जलपाईगुड़ी यह दिन बिहार से जलपाईगुड़ी शहर में पुलिस कर और ज्यादा ही सक्रियता लक्ष्य करण गया। जलपाईगुड़ी थाना मोड़ सहित जलपाईगुड़ी शहर जुड़ के टोटो बाइक इत्यादि अटकाए लगिन दिसला कोतवाली थाना पुलिस की। माइक हाथ में लेके घोषणा करे के लिए भी दिसला कोतवाली थाना पुलिस आई से बिसरासाय सरकार के। यह दिन पुलिस कर पक्ष से बाइक या टोटो रिक्शा में जाए यात्री मन की उतराई को मंगकर पुलिस में गाड़ी में उठाए के अस्पताल में नर्सिंग होम सहित विभिन्न जगह में पहुँचा के लगी दिसला। আর যদি কেউ অসুস্থ থাকে বলবেন আমাদের গাড়ি দিয়ে আমরা সেই জায়গায় পৌঁছে দেব হাসপাতালে কিংবা যেখানে টেস্ট করা হবে। কিন্তু মোটর সাইকেলে অসুস্থ হলে মোটর সাইকেলে গেলে তো আরো 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 অসুস্থ হবে। পুলিশ কি করলো পুলিশ এখন গাড়ি করে নিয়ে যাচ্ছে আবার কারে কোথায় যাচ্ছে না কার গাড়িতে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। রাজগঞ্জ টাকিমারি এলাকা কর খেত কর সামনে সে এক বুড়া হাতি কর মৃতদেহ উদ্ধার হলো। राजगंज का टाकी मारी चोर इलाका कर धान कर खेत जसले उद्धार होला के छो बुढ़ाल हाथी कर मिथे थे। घटना को इलाका में हड़कंप मच जाए। घटना स्थल में पुगला बंद दफ्तर अधिकारी कर इलाका कर मिलन पाली फाड़ी कर पुलिस। घटना को है के इतवार दिन रात घरी कर इलाका में बैकंठपुर जंगल है। अभियोग बहुत किसान कर जमीन फसल हाथी से बसाए लगिन करंट कर तार से घिर के रखी। निकर आगे भी इलाका में करंट कर झटका लगे हाथी कर मृत्यु हुई है। हाथी कर भी करंट का झटका से मृत्यु होवे सकल बोल के अभियोग स्थानीय मंगल। खबर कर मुताबिक घटना में इलाका में 8 जन की अटक करल हुई है। इस बारे में ATF नीमा क्षेत्र का हाथी कर किसन करके मृत्यु हुई है एखन बता संभव नहीं की। घटना कर जांच शुरू हुआ थे पोस्टमार्टम कर बाद ही हाथी कर मृत्यु कर असल कारण जनल जाए। PDS राशन जे की सरकार बदले जनता के देवल जाते शेखर में कई आदमी मन कर अभियोग है की उमन के राशन नहीं भी मिलत है और कई जगह से तो ऐसा खबर भी आवत है कि जे PDS राशन में घोटाला करल जाते के ये खबर एखन बहुत जगह से सुनने के लिए मिलत है। आज कालचनी खंड कर डीमा चाय बगान और विश्वनाथ पाड़ा कर विभिन्न क्षेत्र में राशन सही परिमाण नाइप के बहुत सारा परिवार मन के 5-10 किलोग्राम कम करके चौर पावत है कहके अभियोग। साथे साथ लाभार्थी मन के सटीक तथ्य प्रदान भी नहीं करा थे कही के आरोप लगाते हुए आज अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के कालचनी BDO समक्ष एक ठो ज्ञापन चढ़ा लाए। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद बिरसा मुंडा कालचनी अंचल कमेटी कर पक्ष बटले प्रकाश कुजूर सरकार से राशन सोबे ठीक ठाक आवे कर बाद भी यहाँ गांव में सीधा साधा आदि मन के राशन डीलर संस्था ले सरकारी ठके कर काम करा थे कही के आरोप लगा थे। राशन परिमाण कम पावे कर बाद व्यवहार भी अच्छा से नहीं करा थे कही के आज BDO समक्ष ज्ञापन चढ़ा लाए। प्रकाश कुजूर जानकारी दी है।
यो जुन चाहिँ मे देखिनको दिनुपर्ने राशिन थियो त्यसलाई चाहिँ पुरा टोटल प्रशासनले नै माने तपाईको अप्रिलको अन्त्यदेखि नै प्रिपरेसन सुरु गरिसकेको थियो त्यसले गर्दा तपाईको ब्लक लेभलमा भन्नुहोस् इन्स्पेक्टर लेभलमा माने जति पनि पीडीएसहरू डिलरहरू छ उनीहरूलाई लिएर एउटा हामीले पुरा मिटिङ गरेर टोटल हामीले प्रिपरेसन गरिसकेको थियौँ तर योपालिको जुन चाहिँ एक तारिकदेखिको जुन चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन भयो त्यसमा हामीले देख्दा चाहिँ के अनुभव हुन सक्यो भन्दाखेरि जुन चाहिँ हामीले प्रिपरेसन गरेको थियौँ मान्छेमा गत महिनामा चाहिँ धेरै भुल भाबरिन्त कुरो उसले कति पाउनुपर्ने कति पाउँदैछ त्यो कुरो एउटा क्लियर थिएन तर योपालि चाहिँ सरकारले नियम खुद आफूले उद्योगले एउटा फ्ल्याक्स बनाइदिएको थियो प्रत्येक के अरे एमआर डिलरको अगाडिपट्टि रेट लगाइदिएको थियो कुन कुन क्याटेगोरीमा को कसले कति कति रासिन पाउँछ त्यसले गर्दाखेरि प्रायः योपालि चाहिँ शान्तिसँगै चल्यो र यस्तो किसिमको कुनै कम्प्लेन सम्प्लेन हामीले त्यति साह्रो पाएन एक दुईवटा हामीले कम्प्लेन पाएकोमा मतलब पनि के छ भने कतिजना मान्छेलाई मिसगाइड गरेको छ कतिजनाले मिसगाइड हुन कारणले गर्दाखेरि त्यो किसिमको अभिजोगहरू मात्रै पायौँ तर ओभरअल हामीले हेर्नु हो भने तर हाम्रो जस्तै जिल्ला प्रशासनकै उद्योगमा डेप्युटी मेजिस्ट्रेटदेखिको लिएर मेरो ब्लक लेभलबाट पनि जति पनि एक्सटेन्सन अफिसरहरूलाई हामीले प्रत्येक ग्राम पञ्चायत वाइज उतारेको थियौँ उनीहरू गएर टोटल उनीहरूले रिपोर्ट कलेक्ट गरेर आउँदाखेरि हामीले पायौँ मान्छेले पाउनुपर्ने रासिन यति साह्रो खुसी भएर लाँदैछ कि उनीहरूले यो महिना एकदमै सधैँ भन्दाखेरि राम्रो रेस्पोन्स हामीले पाएको छौँ. आजको मुख्य आरोप है कि बिमा बिमा बिच लाइनमे वहाँ एक संस्था जो है उसको क्या बोलते हैं आप लोग हाँ उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उसको लीड कर रही है राशनिंग व्यवस्था को वो वितरण का व्यवस्था वहाँ से हो रही है और वहाँ देखा जा रहा है अभी मशीनिंग मशीन का सिस्टम है उसमें से स्लिप निकलता है कार्ड डाल के वो निकलता है वो जो स्लिप जो निकलता है उसमें उसका अलर्टमेंट रहता है उस अलर्टमेंट का स्लिप को वो लोग इंडिविजुअल को नहीं देते हैं जो बेनिफिशियरी है उसको नहीं देते हैं उसको वो लोग लेकर के खुद अपना रिकॉर्ड बनाते हैं या फाड़ के फेंक देते हैं कुछ भी करते हैं तो इस विषय इस मुद्दे पे जब हमको खबर मिला तो मैं लोग हमारे साथियों के साथ मैं वहाँ पहुँचा था तो देखा जा रहा है कि वो लोग वैसे ही कर रहे हैं जिसको 25 किलो मिलना था उसको 15 किलो दे के छोड़ दे रहे हैं और जब चार्ज किया गया उनको बोला गया कि क्यों ऐसा हो रहा है नहीं इसको बाद में दे दिया जाएगा इसको हम लोग अगले बार में पूरा कर देंगे सभी के मामले में वही है और सबका स्लिप वो लोग ले रहे हैं जब मैं बोला कि आपको स्लिप देना चाहिए कम से कम उसमें मार्किंग कर दीजिए अगले बार में 5 किलो कम इसको कम दे रहे हैं अगले बार में पूरी कर देंगे उसको आप मार्क कर दीजिए तब ना उसको मालूम होगा नहीं तो इंडिविजुअल को कैसे मालूम होगा कि मुझको 5 किलो कम मिला है अगली बार मुझको मिल जाएगा एडजस्टमेंट कर रहे हैं कीजिए उसमें हम मना ही नहीं है लेकिन मुझको तो मालूम होना चाहिए ना मुझको अगली बार मुझको 5 किलो फिर मिलने वाला है राशनिंग तरफ से ये चीज़ हमको मालूम होना चाहिए लेकिन स्लिप किसी के पास नहीं है नहीं दे रहा है जब मैं बोला तब देना आरंभ किया जब मैं निकल गया तो देना बंद हो गया. आज का लेकिन बुलेटिन इतना ही. कल फिर से हमारे रोरोमन के सामने उपस्थित हुए कला तब तक कर लेकिन घर में रहा सुरक्षित रहा और लॉकडाउन का पालन करते रहा और देखते रहा डूअर्स टीवी. डूअर्स टीवी ट्यूनिंग ऑफ टाइम.